देखिए, सूर्य का रत्न माणिक्य है, सूर्य की उंगली अनामिका उंगली है। रविवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना के बाद शुक्ल पक्ष में ये रत्न दूध और जल से धोकर के धारण करना चाहिए। धारण करने के पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7000 जप कर लेना चाहिए। अब मोती की बात करें तो मोती सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में, स्मॉल फिंगर में सोमवार की 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। दूध और जल से धोना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 10000 जप कर लेना चाहिए और तब इसको धारण करना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा है, जिसे रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में मंगलवार को प्रातः 7 बजे शुक्ल पक्ष में दूध और जल से धोकर ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का 10000 जप करके तब धारण करना चाहिए। बुध का रत्न पन्ना है और बुध की उंगली कनिष्ठिका है, इसके नीचे बुध पर्वत है, तो इसको आप सोने में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। और बुधवार के दिन प्रातः काल इसको शुक्ल पक्ष में धारण करेंगे, दूध जल से धो करके ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 9000 जप करके आप इसे धारण करेंगे। पुखराज बृहस्पति की उंगली तर्जनी इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाता है, ये सोने में धारण किया जाता है। बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल धारण किया जाता है। लेकिन अगर आप ओपल पहनते हैं जो शुक्र का रत्न है, तो उसे भी आप चांदी में बनवा करके यहाँ धारण कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक तो ये है कि इस तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत है, लेकिन जब और सीधे जाएंगे तो शुक्र पर्वत भी अंगूठे के नीचे है। शुक्र का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव ये तर्जनी से मिलता है। लेकिन अगर हीरा पहनना है तो वो रिंग फिंगर में ही पहना जाएगा, जिसमें शादी की अंगूठी पहनी जाती है, अनामिका उंगली में उसी में पहना जाएगा। अच्छा, कनिष्ठिका उंगली में शनि का रत्न नीलम कभी भूल के भी नहीं, हाँ, ये मध्यमा में ही धारण किया जाएगा। राहु का रत्न भी मध्यमा में धारण किया जाएगा, गोमेद, और केतु का रत्न लहसुनिया ये भी मध्यमा में ही धारण किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कनक खेत लहसुनिया हो तो उसे आप चाहे तो अनामिका में भी धारण कर सकते हैं। ये कनक खेत लहसुनिया बहुत महंगा रत्न है, अगर ओरिजिनल है तो। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग, ये रत्नों के धारण करने के लिए विशिष्ट समय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।